ओके गाइस, वी आर लीविंग। जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं। तो लेट्स गो। पहले सबसे पहले सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, उसके बाद बाकी बातें करेंगे, क्योंकि हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। मतलब अराउंड 2 बज चुके दोपहर के, अभी हम निकल रहे हैं एंड ट्रिप मीटर कर देते हैं 0। तो हमें पता चल जाएगा हमारी टोटल ये ट्रिप कितनी रहने वाली है घर से। पेट्रोल हम कल ही रात में फुल करा चुके थे, तो बाइक में दोनों टायर में हवा पूरी हो चुकी है एंड पेट्रोल भी फुल है। तो लेट्स गो, फ्यूलिंग अप कराएंगे सीधा काशीपुर, क्योंकि एक टैंक में मेरे हिसाब से काशीपुर चली जाएगी, क्योंकि अराउंड हमें लगभग 200 किलोमीटर पड़ने वाला है यहाँ से। तो देखते हैं, 20 का एवरेज तो यार ईजी निकाल देगी अपनी GT, ज़्यादा क्या देती है वैसे ट्रिप पर। तो एंड हमारे साथ जा रहे कनिष भाई, के सामने कोई बोल सकता है क्या? What's up YouTube family, welcome back to the channel, welcome back to the new video। ये है हमारी एक छोटी सी लॉन्ग ट्रिप। हाँ, छोटी सी ही रहने वाली है, ज़्यादा नहीं रहेगी, अराउंड टोटल 500 किलोमीटर देखते हैं वो जितना भी होगा। ऐसे मैं बता दूँ, हम जा रहे हैं काशीपुर, टाइटल और थंबनेल से तुम्हें पता चल ही गया होगा बाकी। एंड अभी हम जस्ट यहाँ से निकले हैं, दोपहर के 2 अराउंड हो रहे हैं एंड किलोमीटर हम कर चुके हैं 0। बाइक का टैंक पहले से फुल है तो कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आज का रूट होने वाला है कुछ ऐसा कि पूरा गौर सिटी पार करके हम आ चुके हैं NH एंड यहाँ से हमें जाना राइट। तो यस गाइस, एक यू टर्न लेके राइट मुड़ जाते हैं, उसके बाद बातचीत करते हैं तुमसे हाईवे पे जाके कि सीन क्या हो रहा है, हम काशीपुर क्यों जा रहे हैं एंड कितने दिन का ट्रिप है, सब चीज़ें आगे बात करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारा GoPro का माइक था वो पता नहीं क्यों काम करना बंद कर गया था इस वाली क्लिप में, बाकी आगे वीडियोस में चल रहा है। तो बेसिकली हम काशीपुर इसलिए जा रहे थे कि हमें कराना था अपनी बाइक पर रैप, मेनली जो फेक टैक्स रैप हमारा बाइक पे है वो होने वाला था। मैं पहले ही उसको इंस्टा पर रिवील कर चुका हूँ, जिसने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, उधर वो रैप रिवील हो चुका है, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में रिवील होने वाला है। मतलब पूरा प्रोसेस भी दिखाऊंगा कैसे कैसे होना था सारी चीज़ें। तो मेन बेसिक हमारा काशीपुर जाने का, उधर जाने का मोटिव यही था कि एक छोटी सी ट्रिप हो जाएगी, कंश भाई के घर पे घूम आएंगे एंड हम अपना रैप करा लेंगे। एंड हम जा रहे हैं हापुड़ होते हुए, जो रास्ता आता है काशीपुर, एक ही रास्ता मेरे हिसाब से शायद उसी से जाएंगे। अभी तक तो फन आ रहा है, मतलब थोड़ा ना बोरिंग हो रहा है अभी, क्योंकि रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा है एंड हम 100, 110, 120 चले जा रहे हैं। बाकी आज मौसम साफ है, 26 जैन के हिसाब से आज दिन में ना काफ़ी ज़्यादा फॉग हो गया था, पर अभी एकदम क्लियर है, धूप निकली हुई है, अच्छा ना थोड़ा गर्म गर्म भी लग रहा है, ठंडी लग रही है, थोड़ा थोड़ा गर्मी फील हो रही है। तो हाँ, वैसे कह सकते हैं मज़ा आ रहा है। ये देखो हापुड़ 22, हल्द्वानी 230 किलोमीटर्स। मैं तुम लोगों को बता दूँ, रोड इतनी अच्छी है कि कब पता नहीं चला कब मैं 32 किलोमीटर्स ऑन बोर्ड, 32.3 किलोमीटर्स हो चुके हैं एंड भाई लिटरली मेरे को ऐसा लगा है मैं अभी 2 मिनट पहले तो घर से चला हूँ, ऐसा फील आ रहा है, क्योंकि रोड ज़्यादा अच्छी है एंड आराम से हम क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है यार, अब अच्छा लग रहा है धीरे धीरे ना, एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है ब्रदर। नैनीताल 241, बरेली 217 एंड हापुड़ 17 किलोमीटर्स। ओ, पहला टोल पास करते हुए हम लोग एंड क्या कह रहे हो, कुछ खा लिया जाए? अरे नहीं यार, घर से हम थोड़ा बहुत ना खा पी के चले थे कि एटलीस्ट कम से कम 100 किलोमीटर तो स्ट्रेच ले, तो उसके बाद तो फिर घर कितना ही बचेगा। ऐसे हम आज कनिष भाई के वहाँ पे रुकने वाले हैं, तो जा रहे हैं सीधा कनिष भाई के घर। आना शुरू हुआ है, थोड़ा सा एक स्ट्रेच खींचो एंड डिप्रेशन इज गॉन ब्रदर। लेट्स गो। एवरेज ना, एवरेज थोड़ी लेते हैं हम, बाइक लिए हमने, हम एवरेज क्यों लेंगे? घर से सोच के तो ये चले थे कि एवरेज लेके चलेंगे, पर जो फन आ रहा है ना भगाने में, क्योंकि रोड अच्छी है एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेट्स गो। देखो यू को पीछे किया जाए, लेट्स गो।
किलोमीटर्स 44.5, 10 किलोमीटर उसके बाद गप में हो गए। लिटरली जितना टाइम तुम्हें ब्लॉग देखने में लग रहा होगा ना, उतने टाइम में होते भी जा रहे हैं। 2-3 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर, 2-3 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर ख़त्म, ऐसा सीन चल रहा है अभी। एवरेज भाई मैं बता रहा हूँ, ये बाइक खाली 14-15 का दे रही है, एंड अपनी जीटी तो अभी देखते हैं कितने का देगी। बाकी एक छोटे से ब्रेक के लिए भी रुके थे, एक बार आवाज़ सुन लो बाइक की। लेट्स गो। एक छोटा सा अपडेट, 71.5 किलोमीटर ऑन बोर्ड, बहुत जल्दी, मतलब लिटरली बहुत जल्दी, बहुत जल्दी हम घर पहुंचने वाले हैं ऐसा लग रहा है। अगर हमने बीच में खाने वाली जगह रुक के ज़्यादा टाइम पास नहीं किया तो मतलब खाने की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे बीच में एक अच्छी जगह पड़ती है तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा अच्छी वाइब लेंगे ना। ओके गाइज, हियर वी आर, 106 किलोमीटर्स, पहला ब्रेक मैकडी के ऊपर। अंदर बैठ के अब कुछ खाते हैं, मिलते हैं तुमको अंदर। करीब भाई अपनी टोपी उतार के दिखाओ जरा, कैसे हो रहे बाल? कहाँ करंट लगवा के आ रहा है? चलील मत कीजिए। तो भाई देखो, ये हमारा मस्त मस्त खाना आ गया। अब यहाँ बाहर लोकेशन बड़ी मस्त है, तो बाहर शूट वूट करके थोड़ा सा फिर चलेंगे आगे घर की तरफ। शाही हो रहा हूँ मैं तो। तो गाइस देखो, खाना वाना हमने खा लिया है। अभी हम मैकडी के बाद थोड़ी ना ऐसी फिल्म निकाल रहे थे अपनी। हमारा कैमरा के अंदर रुक जाओ, अब साफ हो गया, अब और ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं हम। हाँ, बीली है क्या? बीली मिलेगी तुम्हें उसकी। तो भाई सीन अभी ऐसा हुआ है, हम निकल रहे थे एंड यहाँ पे भीड़ लग चुकी है। क्या चल रहा है कनिष भाई? निया के बैजा। फोटो चल रहे हैं क्या? एक बारी को लो बेटा मेरे ना। तो बस अभी फोटोज वगैरह होने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से, वे रेडी टू गो। अपना कैमरा दोबारा लगा दिया है पलकी, जो तुमने अभी क्लिप्स देखी होगी थोड़ी बहुत गोप्रो की ना, वो दिक्कत कर रहा था गोप्रो, अभी हमने सही कर दिया। बाकी लेट्स रोल फ्रॉम मैकडी। जीटी प्रॉब्लम्स गाइस, आधा टैंक के ऊपर फिर भी फुल दिखा रहा है। तो गाइस मेरे गोप्रो में एक दिक्कत हो रही है कि बैटरी अभी 60% है पर फिर भी बार बार बंद हो जा रहा है। बैटरी लो का साइन आता है एंड बंद हो जाता है। मेरे को नहीं पता अब ये कितनी देर चलने वाला है, मतलब 15-16 सेकंड चलता है, कभी कभी 11 सेकंड चलता है और ये अपने आप बंद हो जा रहा है। तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है अभी, तो इस चीज़ का सोल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ ये बार बार क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत किसकी वजह से होता है, या तो बैटरी ज़्यादा पुरानी हो गई है। तो एक और स्टॉप GoPro की बैटरी चेंज करने के लिए, 40% पे ऑफ हो रहा है बार बार, दिमाग ख़राब हो गया। अब पता नहीं GoPro में दिक्कत हो गई है, बैटरीज ख़राब हो गई है, मेरे समझ नहीं आ रहा है। अभी नई बैटरी डाली है तो अभी तो ये चल रहा है, देखते हैं कितना टाइम तक चलती है वाली बैटरी, शायद मैं घर पहुंचा देगी। तो गाइस मैं तुम्हें टाइम दिखाने की कोशिश कर रहा था, 5:36, तो 5:30 बज गए एंड यहाँ से काशीपुर 50 किलोमीटर बचा है। बट जो ये रोड है सिंगल लेन रोड है, जिसमें होती है दिक्कतें ब्रो, जिसमें होता है दिमाग ख़राब, क्योंकि पता ही नहीं है यार कौन कब कहाँ से आ जाए एंड कहाँ मुड़ जाए। यहाँ से बचा है 39 किलोमीटर काशीपुर, एंड हम थोड़े गलत रास्ते से आ गए, हमें थोड़ा सा अलग जाना था। यहाँ से थोड़ा पास है पर रोड ख़राब है, आगे वाले से थोड़ा दूर था पर रोड अच्छी थी, कोई बात नहीं इसी से चले जाते। तो गाइस बहुत ज़्यादा तगड़े वाली ऑफ रोडिंग चल रही है अभी हमारी, रोड इतनी ख़राब है कि मैं तो खड़ा हो गया वो रास्ते पर कि चलो जहाँ चलना है ऐसे खड़े हो जाओ और गड्ढे भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। मज़ा तो आता है। कुछ भी बोलो। ओके गाइस, ख़राब रास्ता ख़त्म एंड अभी मेरे हिसाब से सीधा रास्ता मिलेगा काशीपुर तक का। बट सिंगल लेन रोड है, फिर भी थोड़ा सा केयरफुल, क्योंकि जानवर वगैरह ना आ जाए कुछ रोड पे, एंड बाकी सारी चीज़ों से बहुत देख के चलना है। चलेंगे अभी भी स्लो ही, बस ये कि वो गड्ढे वाला रास्ता ख़त्म हो गया तो अच्छा लग रहा है। बाइक स्मूथ तो चलेगी कम से कम, भले ही धीरे चले उसकी दिक्कत नहीं है। थोड़ा रास्ता डरावना भी लग रहा है क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों जगह खेत है, तो वो फॉग है ना आनी शुरू हो गई, खेतों में ऊपर जमने लगी है, वाइट वाइट दिख रहा है। तो मज़ा भी आ रहा है पर यू नो एडवेंचर ब्रो, एडवेंचर।
ओके गाइस, हियर वी आर। एंड बाइक हमारी चल चुकी है 206 किलोमीटर, तो अभी तक 20.6 का एवरेज इसने दिया है। तो GoPro में दिक्कत शायद इसलिए आ रही है कि मतलब जो बैटरीज है ना वो ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो इसलिए वो शट डाउन हो रहा है। गूगल पे तो ये दिखा रहा है, बाकी अभी हमने डायरेक्ट वो पावर बैंक से जोड़ दिया है, तो शायद अब ये दिक्कत ना आए, दोबारा बंद नहीं होगा, अभी तो चल रहा है। यस, एंड वी आर क्लोज टू काशीपुर, मतलब अराउंड 5 किलोमीटर बचा है, तो 5 मिनट का रास्ता है मुश्किल से। 7 बज चुके हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, टाइम से घर आ गए। लेट्स रोल। लेफ्ट राइट दोनों जगह पेड़ ही पेड़ भाई, मतलब क्या अच्छा लगता है ये वाला व्यू ना। अभी शायद तुम्हें क्लियरली इतना ना दिख रहा हो, बट मेरे को तो बिल्कुल सही से दिख रहा है सब। खुली सी हवा, साफ सुथरी सी, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए काशीपुर, एंड सबसे पहले एक बार चलते हैं रैप वाले भैया पे, अगर वो इस टाइम मिले तो उनसे एक बार बातचीत करके कैसे है कैसे नहीं, तो फिर घर निकल जाएंगे, वरना हम सीधे ही घर निकल जाएंगे फिर। हाँ, बहुत हेक्टिक हो गया आज का दिन ना GoPro की वजह से। GoPro में दिक्कत नहीं है, अभी जब मैं डायरेक्ट चार्ज पे लगाया उसको तो वो चल रहा है अच्छे से। दिक्कत किस चीज़ में हो रखी है, बैटरीज़ में। तो मेन खर्चा क्या आने वाला है अभी, GoPro की बैटरी, जो कि मुझे ख़रीदनी पड़ेगी। दोनों बैटरी का ना, एक चार्जिंग साइकिल होती है वो पहुँच चुकी है, एक चार्जिंग साइकिल होती है वो ज़्यादा हो चुकी है, तो उसकी वजह से वो बैटरीज़ ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा हमें, नई बैटरीज ख़रीदनी पड़ेगी। 4000 रुपये का खर्चा सीधा सीधा, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। जोनी रेडियम आर्ट, तो हेयर इज़ अ शॉप जहाँ पे होने वाला रैप। आखिरी बार देख लो भाई लाल में, इसके बाद तुम्हें पीली दिखने वाली है। रैप होगा हमारा सुबह, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, बाकी हमने जो पैटर्न है वो डिसाइड कर लिया है कहाँ कहाँ तक होना है, मतलब इतना पार्ट तुम्हारा ब्लैक रहेगा, उसका आगे येलो होगा, कुछ इस तरह का सोच रहे अभी करने का, देखते हैं बाकी जो भी होगा कल ही होगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें होगा हमारा रैप। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइज, हम पहुँच गए सही से घर पर, सी यू।